पौलुस मसीही विश्वासी बन जाले। साउल नाम क एगो आदमी रहल जेवन की यीशु पर विश्वास ना कैले रहल। जब वो जवान रहे तब वो स्तपनुस के मारे वालन लोगन के कपड़ा क निगरानी कैले रहलन। बाद में वो विश्वासी लोगन के सतैले रहले। वो यरूशलेम में घर घर जाके आदमी व औरतन के गिरफ्तार करके जेल में डाल दिहले। तब महापुरोहित साउल के दमिश्क नगर में जाए के अनुमति दिहले। उ हवा के मसीहन के गिरफ्तार करके औरी उ लोग के वापस यरूशलेम ले आवे के खातिर साउल से कहलन। तब साउल दमिश्क जाए के यात्रा शुरू कैलन कि ओ नगर में पहुँचला से थोड़ी के दूर पहले उनकरी चारों ओर आकाश का एगो उजर प्रकाश चमकल और उ जमीन पर गिर गैलन। साउल केहू का कहत सुनले कि हे साउल तू हम के काहे सतावत बाड़ा। साउल पूछले हे प्रभु तू के हवा। यीशु उनके जवाब दिहले कि हम यीशु हई तू हमके काहे सतावत बाड़ा। जब साउल उठले त देख ना पावत रहलन। उनकर दोस्त उनके दमिश्क में ले गईले। साउल तीन दिन तकले कुछ ना खैले ना पियले। दमिश्क में हन्याय नाम क एगो चेला रहलन। परमेश्वर कहलन कि ओ घर में जा जहां साउल रुकल बाड़े अपनी हाथ के उनकरी ऊपर रखिया ताकि उ फिर से देखे लागस। लेकिन हनन्याह कहले कि हे प्रभु हम सुनले बानी कि ई आदमी विश्वासी लोग के कैसे के सतैले बा। परमेश्वर उनके जवाब दिहले कि जा हम उनके यहूदी लोगन में औरी दूसरी जातियन के लोगन में हमारी नाम का प्रचार करे के खातिर चुन लेले बानी। उ हमारी नाम के खातिर बहुते दुख सहिहन। तब हनन्याह साउल के पास गैलन अपनी हाथ के उनकरी ऊपर रखलन और कहलन यीशु जेवन इहवा आवे के तुहरी रास्ता में प्रगट भइल रहलन हा हमके तुहरी पास भेजलन हा ताकि तू फिर से देखे लगा और पवित्र आत्मा तुहके भर दिहन। तुरंते साउल देखे लगलन और हनन्याह उनके बपतिस्मा दिहलन। तब साउल भोजन कैलन औरी फिर से बलवंत हो गैलन। तब से साउल दमिश्क में रहे वालन यहूदी लोगन में प्रचार कैल शुरू कर दिहलन। उ कहलन यीशु ही परमेश्वर के बेटा बाड़े। यहूदी लोग अचंभा में रहले कि काहे से कि साउल विश्वासी लोगन के मार डाले का कोशिश कैले रहलन। लेकिन अब उ यीशु में विश्वास कैलन। साउल यहूदी लोगन के साथे बात विवाद कैलन। उ देखौलन कि यीशु ही मसीह रहलन। बहुत दिन के बाद यहूदी लोग साउल के मारे का योजना बनैले। उ लोग उनके मारे के खातिर नगर के फाटक पर लोगन के भेजले कि उनकर निगरानी करस। लेकिन साउल ओ योजना के बारे में सुन लिहलन औरी उनकर दोस्त लोग उनके बच के निकले में उनकर सहायता कैले। एगो रात उ लोग उनके टोकरी में बैठा के नगर के दीवाल से उनके नीचे उतार दिहले। दमिश्क से बच के निकलला के बाद साउल यीशु के बारे में प्रचार कैल जारी रखलन। साउल प्रेरित लोगन से मिले के खातिर यरूशलेम में गैलन। लेकिन उ लोग उनसे डेरात रहले। तब बरनबास नाम का एगो विश्वासी साउल के प्रेरितन के पास लेके गैलन। उ लोगन के बतैलन कि साउल कैसे के साहसी होके दमिश्क में प्रचार कैलन हा। ओकरी बाद प्रेरित लोग साउल के स्वीकार क लिहलन। कुछ विश्वासी जेवन यरूशलेम के सताव से भाग गैल रहले उ दूर अंताकिया नगर में चल गईल रहले और यीशु के बारे में प्रचार करत रहले। अंताकिया में रहे वाला लोग ढेर यहूदी ना रहले। लेकिन पहली बार उ लोग में से बहुते लोग विश्वासी बन गईले।
बरनबास औरी साउल ए नया विश्वासिन के यीशु के बारे में औरी अधिका सिखावे के खातिर उहवा गईले औरी कलेसिया के मजबूत कैले। यीशु पर विश्वास करे वाला पहली बार अंताकिया में ही मसीही कहलाइले। एक दिन अंताकिया का मसीही लोग उपवास के साथ प्रार्थना करत रहले। पवित्र आत्मा उ लोग से कहलस, हमारी खातिर बरनबास औरी साउल के ओ काम के करे के खातिर अलगा कर दा जा। जेवना के करे के खातिर उ लोग के बुलाइले बानी। यही से अंताकिया का कलेसिया बरनबास औरी साउल के खातिर प्रार्थना कैले औरी ओ लोग पर अपनी हाथ के रखले। तब वो लोग उनके दूसरी जगह में यीशु के बारे में शुभ संदेश के प्रचार करे के खातिर भेज दिहले। बरनबास औरी साउल अलग अलग जाति के लोगन के शिक्षा दिहलन औरी बहुते लोग यीशु पर विश्वास कैलन। प्रेरितो काम 8:3, 9:1-31, 11:19-26, 13:1-3 एगो बाइबिल का खीसा।